नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा YouTube चैनल जिसका नाम है टिप्स विद हरीश। दरअसल इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों कि हाउ टू मूव ऑन आफ्टर अ पेनफुल ब्रेकअप। किसी के साथ हम काफ़ी समय से अटैच हैं, किसी इंसान के साथ काफ़ी समय से हम रिलेशनशिप में हैं, बट अभी एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि हमें उस इंसान से अलग होना पड़ रहा है। आई नो कि उसके साथ बिताए पल मेमोरीज जो है आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही, और तकलीफ की वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उस इंसान को किस तरीके से हम हमारे लाइफ से रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि सारी मेमोरीज को कैसे भूले, पूरी तरीके से डिलीट कैसे करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पर आ रहे थे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके जल्दी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि आप प्रॉपरली वे से किस तरीके से मूव ऑन कर सकते हैं। हम आपको टू वेज बताएंगे ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने का, एक तो पॉजिटिव वे और एक तो नेगेटिव वे। इस टू वेज से आप प्रॉपरली जैसे कि मूव ऑन कर सकते हैं। बट मूव ऑन होना क्या होता है, क्या होता है मूव ऑन, और किस तरीके से हम डिटैच हो सकते किसी इंसान से, उसके साथ बिताए पल या फिर जो भी मेमोरी सी 10 साल की, 15 साल की, 5 साल की, जो भी होगी, 5 महीने की, 6 महीने की, जो भी मेमोरीज थी, उसको हम पूरी तरीके से रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं, हम किस तरीके से ये सारे दर्द हुए, ये जो इमोशंस है उससे बाहर निकल सकते हैं, इसी के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी तो आप मुझे डायरेक्टली कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और वहाँ पर आपको जाकर सर्च करना है टिप्स विद हरीश, और डायरेक्टली आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं, अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल पे बता सकते हैं, 100% आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश जरूर करूँगा। तो अभी हम प्रॉपरली बात करने वाले, लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि अभी इस इंसान के साथ और रह ले या फिर इसको छोड़ दें, यही सिचुएशन से हम बाहर नहीं निकल पाते। तो फाइनली इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आपको पहले पूरी तरीके से अंदर से ठानना होगा कि हाँ अब मुझे मूव ऑन करना है। हम थोड़ी सी जगह बना रखते हैं उस इंसान के लिए, नहीं थोड़ी सी जगह है उस इंसान के लिए, अभी भी वो आ जाएगा, अभी भी सब ठीक हो जाएगा, अभी पहले जैसा हो जाएगा, वो सॉरी बोल देगा, मैं माफ़ कर दूंगा या फिर माफ़ कर दूंगा। ये जो जगह है ना, ये थोड़ा सा जो थिंकिंग है ना, ये थोड़ी सी जगह उसके लिए, यही आपको तकलीफ दे रही है, और यही इसी रीज़न की वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ठीक है, लाइफ में कैसा होता है, मैं हर वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, रिलेशनशिप एक रबर की तरह होता है, दो लोगों ने उसको इस तरीके से पकड़ के रखा है और लॉन्ग होता जाता है धीरे धीरे। अगर इसने छोड़ा तो इसको तकलीफ होगी, और इसने छोड़ा तो इसको तकलीफ होगी। तो इसको पता है अगर मैं छोड़ूंगा तो इसको तकलीफ होगी, ये कभी नहीं छोड़ेगा अगर सच्ची में आपके लिए फीलिंग्स रखता है तो। और इसका भी ऐसा ही, अगर इसको पता है कि आप इसके छोड़ने से आपको तकलीफ होगी तो ये सच्ची में फीलिंग रखता है तो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा इंसान। और अगर इसके लिए आपके दिल, इसके दिल में अगर आपके लिए कुछ भी नहीं है तो ये छोड़ देगा, और ये छोड़ेगा तो तकलीफ इसको नहीं, इसको तकलीफ होगी क्योंकि इसने इसको छोड़ा है। तो आप समझ रहे हो एग्जांपल में क्या बताना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ कभी भी इतना भी किसी से अटैच मत रखिए, कोई भी रिलेशनशिप परमानेंटली नहीं होता है इस लाइफ में। मॉम डैड हो, फादर, जो हमारे फादर है, मम्मी है, भाई है, बहन है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बट वो रिलेशनशिप परमानेंटली नहीं होता है, कोई ना कोई इंसान हमें हमेशा के लिए छोड़ के जाता ही है। तो किसी से इतना एक्सेप्टेशन मत रखो। हमें दर्द क्यों होता है कि हमने किसी से काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेशन रखी होती है और वो इंसान हमसे दूर जाता है और उसके साथ बिताए पल। मुझे बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि मूव ऑन तो कर ले, उस इंसान को भूल तो जाए, बट वो मेमोरीज जो उसके साथ बिताए पल, उसके साथ घूमना फिरना, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये हमें काफ़ी ज़्यादा दर्द देती थी, ये जो सारी चीज़ें ये हमें मूव ऑन होने देती। तो इनसे हम कैसे बाहर निकल सकते। एक चीज़ है, मेमोरीज कभी भुलाई नहीं जाती, मेमोरीज कभी डिलीट नहीं की जाती, इनको साथ लेके चलना है, लेकिन इनको टाइम पे याद किया जाता है, एनी टाइम नहीं। हम क्या करते हैं, 24 घंटे वो सारी चीज़ें सुनते हैं, 24 घंटे वो सारी चीज़ देखते हैं, जो हमारे मोबाइल में जो डिलीट जो पिक्स है या फिर जो भी रिकॉर्डिंग्स है या जो भी फोटोज़ है या फिर चैटिंग्स है, जो भी सारी चीज़ें हम बार बार देखते हैं और उसको देख के हम सारी चीज़ें सोचते हैं, और इसकी वजह से हमें ज़्यादा तकलीफ होती है। पहली चीज़ तो हमें दिमाग से हमने सोच लिया कि हमें मूव ऑन करना है, बट यहाँ से हमने सोच पा रहे कि मूव ऑन करना है, यहाँ से हमने पूरी तरीके से ठान लिया कि नहीं मुझे मूव ऑन करना है, पर यहाँ पे थोड़ी सी जगह उस इंसान के लिए हमने बचा के रखी कि वो आ जाएगा वापस और सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। पहली चीज़ तो हमें प्रॉपरली सोचना होगा, प्रॉपरली बैठ के ये सोचना है कि अब मुझे मूव ऑन करना है। हम क्या करते हैं, दिमाग से सोच लेते हैं मूव ऑन करना है, बट हम दिल से नहीं सोच पा रहे। मैंने ऑलरेडी क्लियर किया कि ये जो थोड़ी सी जगह है ना कि वो आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये थोड़ी सी जगह भी हटा दो, और जब ये हटा दोगे तब प्रॉपरली वे से आप मूव ऑन कर पाएंगे, नहीं अब मुझे मूव ऑन करना है, वो आए ना आए, रोए गाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अब मुझे मेरी लाइफ पर फोकस करना है, अभी मुझे पॉजिटिव वे से ग्रो करना है। तो टू वेज जो मैंने बताया ना, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वेज में आता है उस इंसान के लिए रोना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, उसको मेमोरीज याद करवाना कि याद कर ले ये था वो था मेरे पास आ जाए, या फिर मूव ऑन करना है फिर या उसको गालियाँ देना या उसके साथ एब्यूज़ करना, गलत चीज़ें उसके साथ करना, ये होता है नेगेटिव वेज। और पॉजिटिव होता है खुद के ऊपर काम करना, वो मैसेज करे या ना करे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको हमेशा के लिए ब्लॉक कर देना या फिर ब्लॉक करे या ना करे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है,
हम सिर्फ हमारे लाइफ पे फोकस करें, खुद के ऊपर ग्रो कर रहे, जिम जा रहे, बॉडी बना रहे, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी एक्टिविटी जिससे आपको खुशी मिल रही है और जिससे आपको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ हो रही है, ऐसी एक्टिविटी उस पर आप फोकस कर रहे हो, ये होता है पॉजिटिव वे। तो जो इंसान पॉजिटिव वे से आगे जाता है ना, जो उसका पार्टनर जो एक्स होता है उसको छोड़ के जाता है, उसको वैल्यू भी हो जाती है अगर पॉजिटिव वे से जाओगे। और अगर नेगेटिव वे, जो मैंने बताया नेगेटिव वे से अगर उसमें जाओगे ना, तो जो सामने वाला इंसान है वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएगा और कभी आपके आपके पास आना जरूरी भी नहीं समझेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पॉजिटिव वे से जाना चाहते हैं या फिर नेगेटिव वे से जाना चाहते हैं, डिपेंड ऑन यू। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ब्रेकअप के बाद पूरी तरीके से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आपका जो दिमाग है और आपके जो इमोशंस है इन पे कंट्रोल करना सीख लो, क्योंकि इमोशंस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। तो इमोशंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इसको कंट्रोल करना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इमोशंस अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। मानते हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि यार तुम्हें बोलना आसान है, हमारे लिए बहुत बीतरी, हम पे जो बीतरी वो काफ़ी मुश्किल है। हाँ मानते हैं, लेकिन क्या इस इंसान के लिए पूरी तरीके से आपकी लाइफ को ख़राब कर लेंगे? अभी तो आप रोलोगे, अभी तो आप गिड़गिड़ा लोगे, लेकिन फ्यूचर में जब आगे बढ़ जाओगे, जब ग्रो कर जाओगे, तब खुद बोलोगे कि यार मैं इस घटिया इंसान के लिए रो रहा था, फिर घटिया इंसान के लिए रो रही थी, खुद आप ये सोचेंगे। तो उससे अच्छा अभी जो टाइम आपके पास है इसको वेस्ट ना होने दे, इस पर खुद को ग्रो कर लो, खुद को इतना बेटर बना लो कि जो इंसान छोड़ के गया ना वो आपके पास वापस आने के लिए तरफ जाए। लेकिन फिर डिपेंड होने कि आप उसको जगह देते या नहीं, वो सोच आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ था वो आपको बताएं। मैं इस चीज़ में आपको क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि अगर आप पॉजिटिव वे को यूज़ करेंगे ब्रेकअप के बाद, तो आप डेफिनेटली आपके सक्सेस को भी अचीव कर पाएंगे और इस इंसान को वैल्यू भी रियलाइज़ करा सकते हैं। आई होप कि आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए आप कवर करेंगे, तो दिल में जो छोटी सी जगह रखी ना उसके लिए वो हटा दो, अपने आप मूव ऑन कर लेंगे आसानी से। कोई भी दर्द नहीं होता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है खुद के लिए सह लो, किसी को बताओ मत रिलेशनशिप में ये हुआ था ये हुआ था, ये सारी चीज़ आप किसी से फ़ोन पे उसके बारे में बातें करना, कॉल पे उसके बारे में बातें करना, ये हुआ था ये सारी चीज़ें बंद कर दो। कॉल पे किसी से बात करो तो इस तरीके से बात करो कि किसी को पता भी ना चले कि आपका ब्रेकअप हुआ है, इस तरीके से बात करो। पॉजिटिव ऐसे खुद को अंदर से फील रखो हैप्पी। अगर आप क्या करते हैं खुशी फील करवाते, लेकिन उसको दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, आपको अंदर से खुद को फील करवाना है कि मैं खुश हूँ सच्ची में। अगर आप सच्ची में ऐसा दिखाएंगे तब सामने वाले को वैल्यू होती है, तब आप सच्ची में आसानी से मूव ऑन कर पाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने अभी तक मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, मेरे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्लॉग चैनल को मेरी पर्सनल लाइफ रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगी, व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और आपको कॉल पर बात करनी तो कॉलिंग फॉर एप्लीकेशन आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।